स्त्री का जो चोला दिखाया गया है वो माँ का प्रतीक है और जो पुरुष का चोला दिखाया वो बाप का प्रतीक है ना। एक ही चित्र में, हाँ एक ही चित्र में माँ और बाप दोनों दिखाए गए हैं। वास्तव में माँ अलग होना चाहिए और बाप अलग होना चाहिए। ये कोई ये जो क्या नाम है एक महाभारत में वो राक्षस दिखाया गया है, कौन आधा आधा हो जाता था, जरासंध। ये कोई जरासंध का चित्र तो है, ये तो माँ होगी तो पूरी होगी और बाप होगा पूरा तो पूरा ही होगा। तो वास्तव इस समय की यादगार है। और भैया भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जगदम्बा का भी पार्ट चलता है और जगदम्बा के साथ जगत पिता का भी एडवांस पार्टी में पार्ट चलता है। प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी अलग है और जगत पिता भी अलग है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है जगदम्बा छुप जाती है। बाबा कहा है इनकी बात तो पूरी होने दो, थोड़ा सा धीरे धर। तो जगदम्बा का पार्ट जो है गुप्त हो जाता है क्योंकि जगदम्बा को महाकाली का भी पार्ट बजाना है, इसलिए जगदम्बा का स्वरूप गुप्त होता है और जगदम्बा की जगह पालना करने के लिए कोई माता चाहिए कि नहीं नहीं चाहिए। इतना बड़ा परिवार है एडवांस पार्टी का ऑल इंडिया में, इतने ढेर के ढेर स्टूडेंट हैं, दो चार बच्चे परिवार में होते हैं तो उनके लिए भी बाप दूसरी शादी कर लेता है, बच्चों को संभाल नहीं सकता। तो यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे हैं, उनकी पालना माता की नजर हो सकती है नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाबा सरस्वती को निर्धारित किया, ब्रह्मा बाबा दाढ़ी मूंछ वाले थे, कहते थे मैं ब्रह्मा हूं अम्मा हूं, लेकिन ये संत पुरुष का है, पुरुष तो दुर्योधन तो साधन है, आएगा गुस्सा बच्चे को थप्पड़ मारेगा बेचारा बच्चा मर जाएगा बाबा। अब तो सुनो सुनो सुनो, इसलिए बिना माता की तो काम हो नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं कि आधी माता चाहिए, माता तो पूरी ही चाहिए ना। तो जगदम्बा चली गई, तो जगदम्बा के चले जाने के बाद जो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली माता निमित्त बनती है वो गुप्त पार्ट है और वो गुप्त पार्ट आधा साझा करता है। क्या आधा साझा? ये है कि जो हमारी प्योरिटी की पावर है वो बाप के पास जाए, जैसे कन्या की प्योरिटी किसके पास जाती है? पति के पास जाती है, जाती है ना, तभी तो परिवार चलता है बनता है, नहीं तो परिवार नहीं बन सकता। तो ऐसे ही जो जगदम्बा के जाने के बाद वो प्योरिटी के आधार पर जिस परिवार की पालना होनी है और अच्छे ही तरीके से पालना होती है, क्या कोई ऊपर नीचे हो जाए ऐसी बात नहीं, तो पालना होती जरूर है, लेकिन पालना के निमित्त कोई साकार शरीरधारी बनता है और वो साकार शरीरधारी रुद्रमाला का मांगा होना चाहिए या बाहर से होना चाहिए? रुद्रमाला के अंदर से ही होता है। इसलिए जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में से एक देवता है दूसरे नंबर का बाबा, जो निमित्त बनता है धीरे से जो निमित्त बनता है और उसमें ब्रह्मा की सोल सरस्वती की सोल प्रवेश करके टाइम टू टाइम अपना पार्ट बजाती है प्योरिटी का, वो प्योरिटी की पावर से सारे परिवार की पालना होती है। सारे परिवार में मुख्य ग्रुप कौन से है? हैं तो नौ प्रकार के ग्रुप ब्राह्मणों के, लेकिन मुख्य ग्रुप कौन सा है? सूर्य। अगर सूर्यवंशी बड़े भाइयों की पालना हो जाए तो बड़े भाई जो हैं एक तरह से मॉनिटर हो गए, वो दूसरे बच्चों को देख रेख कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसलिए वो एडवांस पार्टी का दूसरा माता
रुद्रमाला का दूसरा माता अंत देवों में से दूसरा नंबर जिसे काशी नगरी कहा जाता है वो शंकर जी को अति प्रिय है। क्या पार्वती उतनी प्रिय नहीं है, काशी नगरी अति प्रिय है। वो काशी नगरी के द्वारा उन्होंने सृष्टि के आदि में एडवांस पार्टी की पालना की है नेपाल वासियों की, इसलिए अघनारीश्वर का रूप प्रसिद्ध है। वो इन आंखों से देखने में नहीं आएगी माता, क्या काशी वो गुप्त पार्ट है, गुप्त रूप में फाउंडेशन लग रहा है दुनिया का, मकान बनता है नेपाल की पालना तो चारों तरफ कागज से कपड़े से ढक देते हैं कि नहीं, आजकल ढकते पहले नहीं ढकते थे, ये कहां की परंपरा है? अगर भगवान नई सृष्टि की परंपरा डाल रहा है तो नई सृष्टि का जो फाउंडेशन डल रहा है उसमें माँ कौन है ये पता नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में वो आधे शरीर के रूप में सहयोगी है और बाप की ही सहयोगी है, इसलिए माता पिता का कंबाइंड रूप दिखाया गया, उसको कहा गया बाप दादा। बाप तो राम बाप है ही, लेकिन कष्ट वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में अभी भी कोई नारी चोले के द्वारा पूरे परिवार की पालना करने के निमित्त है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखने में आता है कि सारे की पालना कर रही है सभी प्रकार के सब धर्मों की बीजों की, नहीं सिर्फ सूर्यवंशियों की स्पेशल पालना करती है। सूर्यवंशी आत्माओं को विश्वास भी है, निश्चय भी है और वो मानते भी है, और वो सूर्यवंशियों के द्वारा सारा परिवार पालन होता है, इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप प्रसिद्ध है। अब पूछो क्या पूछ रहे रामायण देखा है, रामायण में देखा है रावण शिव का भक्त है, राम से भी बुद्धिमान रावण है लिखा है, तो क्यों सीता का बोले छाया का हरण करना है, तो क्यों रावण का रावण नेपाली में बोल दीजिए रावण लाई किन तब को भन्न किस राजेश भन्न भो राम भन्नाले बुद्धिमान थियो, शिव पनि भक्त थियो, ज्यादा से ज्यादा भक्त शिव उहाँलाई कारण क्या है कि रावण की राक्षस के रूप में ग्लानी हो रही है, दुखदायी राक्षस को कहा जाता है, और राम की इतनी महिमा हो रही है, जबकि रावण भी शिव को पूछता था मानता था और राम भी शिव को, लेकिन अंतर ये है एक होती है एक को मानना और एक होता है एक को भी मान रहे हैं फिर दूसरे को भी मान रहे हैं तीसरे को भी मान रहे हैं, तो व्यभिचारी पूजा का ज्यादा महत्व होगा या अव्यभिचारी पूजा का ज्यादा महत्व होगा? तो राम अव्यभिचारी पुजारी थे या व्यभिचारी थे? इनको समझाओ तो नेपाली में समझाओ, ये नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? राम एक की पूजा करता था, एक को मानता था, और रावण अनेक को मानता था, नहीं अनेक को नहीं, शिव की पूजा करता था फिर देवी की भी पूजा करता था, इसलिए मुरली में बोला है देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं डबल डबल देवताओं की पूजा करेंगे, देवी के साथ देवता भी अगर होगा तो जाहिर है कि देवी छोटी हो गई और देवता बड़ा हो गया, वो देवी सिंगल को मानेंगे से बड़ा किसी को नहीं मानेंगे, वो भगवती के रूप में मानेंगे, नेचर को ही भगवान मानेंगे, ये गलत बात है। इसलिए रावण है विविचारी और राम है अविविचारी, जो भी विविचारी है जो भी विविचारी प्रकृति के होते हैं ना, वो किसी के ऊपर नजर डालेंगे औरत के ऊपर तो उसको अकेला देखना चाहेंगे या उसके पति को भी साथ देखना चाहेंगे, क्या करेंगे? तो चाहेंगे कि अकेली हमको मिले, तो वो रावण संप्रदाय है राम संप्रदाय, रावण संप्रदाय तो राक्षस है,
आपको आपको तरफदारी लेने की इच्छा हो रही है रावण ने कहा। और आप क्या कह रहे हैं बाबा? पैंसठ में सरस्वती ने पैंसठ में सरस्वती छोड़ी, उनसत्तरी में वर्मा ने सर छोड़ा, उसके बीच में कौन जगह माता मंदिर, उसके बीच में चार साल के अंदर में कौन जगह माता थी? सही बात। देखो ब्रह्मा के द्वारा पक्के प्रवृत्ति मार्ग के देवता धर्म की स्थापना हो सकती है या नहीं हो सकती है? ब्रह्मा अधूरा देवता है या संपूर्ण देवता है? अधूरा देवता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जो है उसके साथ उसकी जो पत्नी है वो वैलिडिटी वाली नहीं दिखाई गई। नहीं समझ में आया? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के साथ पत्नी जो है वो या तो समान कुल की हो या तो नीचे कुल की हो, अभी तो पत्नी कही जाएगी, लेकिन वो उनकी बेटी थी या वास्तव में पत्नी थी? ये तो प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा प्रवृत्ति मार्ग तो है ही नहीं। फिर भी मान लिया जाए कि सरस्वती ने माँ के रूप में पार्ट बजाया, जैसे लौकिक दुनिया में कोई बाप हो और कोई बेटी हो तो ड्रामा मंच पर पार्ट बजाने जाएंगी नाटकबाजी करने के लिए, तो बाप पति का और बेटी पत्नी का पार्ट नहीं बजा सकती? बजा सकती। ऐसे ही सरस्वती ने पत्नी का पार्ट बजाया और हूबहू ब्रह्मा को जीवन में फॉलो करके दिखाया। कभी भी कोई बात में कोई कर्म में क्रास नहीं किया। लेकिन मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। मम्मा के शरीर छोड़ देने के बाद ब्राह्मण परिवार तो था ना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो हो रही थी ना, तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना जो है वो करने के लिए प्रवृत्ति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। माने ब्रह्मा की सोल को कोई ना कोई कन्या माता का आधार लेना ही पड़े। इसलिए शास्त्रों ने दिखाया है कि चंद्रमा जो है वो रोहिणी के ऊपर मोहित हो गया। क्या दिखाया ना? हाँ, तो चंद्रमा को चंचल चित्त वाला दिखाया जाता है, जो दूसरी पत्नी के रूप में जिसको कार्यभार सौंपा वो सब पूरा ब्राह्मण जानता है कि मम्मा के बाद सारे यज्ञ का कार्यभार कौन सी कन्या माता के हाथ में आया है? प्रकाशमणि। और मुरली में भी बोल दिया, इन सभी सितारों में सबसे जाति खाती हुई होती है कुमारका की। तो पत्नी कौन हुई है? अरे परिवार में बाप जो है सबसे जास्ती खातरी किसकी करे? पत्नी की करे, माता की खातरी करे कि किसी बच्चे की करे, या बच्चे की करे? माता की करे। सच्चा बाप है सबसे ज्यादा मान किसको देना चाहिए? माता को देना चाहिए। यहाँ क्या हुआ? माँ तो गई, सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा ने क्या किया? कोई न कोई को शरीर तो बना गया। अब बाबा को इतनी समझ तो थी नहीं क्या कि कौन सी आत्मा किस धर्म में जाने वाली है? समझ थी कि बच्चा बुद्धि था? बच्चा बुद्धि था। और कुमारका दादी को चुन लिए। कुमारका दादी तो अपने मुंह से बोलने लगी। कुमार का दादी विदेश में जाके अखबार छपा दिए, उन अखबारों में छाप दिया गया जगत माता वर्ल्ड मदर प्रकाशमणि दादी। क्या वर्ल्ड मदर अखबारों में छप गया? कुमार का दादी के सामने छपा, कुमार का दादी ने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया आपने? वर्ल्ड मदर।
अब वर्ल्ड मदर एक होगी या दो होगी? डुप्लीकेट और ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट होती है एक ओरिजिनल होती है। दोनों माताओं में डुप्लीकेट कौन और ओरिजिनल कौन है? प्रकाशमणि ओरिजिनल या सरस्वती ओरिजिनल? सरस्वती ओरिजिनल भी प्रैक्टिकल जीवन में साबित होता है, लेकिन कुमारिका दादी ओरिजिनल नहीं है। वो चाहते थे कि हमें मान मर्तबा मिले, उनके वाक्य थे कि इस जीवन में भी मैंने बाबा की गद्दी ली है और सचिव में भी मैं गद्दी की मालिक बनूंगी, ये उनके मुख के वाक्य हैं। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हो गया कि कुमारिका दादी जो है वो सचिव की सेकंड गद्दी की मालिक बनेंगी। क्या सेकंड गद्दी का जो नारायण नारायणी होंगे वो सेकंड धर्म पिता के आधारभूत बनेंगे। फर्स्ट नंबर अब्बा अल्लाह अव्वल दीन, जो पहले नंबर दीन धर्म की स्थापना करने वाला शिव है अल्लाह, वो अव्वल नंबर नारायण में प्रवेश करता है, चाहे वो ब्रह्मा हो और चाहे वो शंकर हो, दोनों अव्वल है कि नहीं? अरे लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनता है तो एक तरफ विष्णु का चित्र होता है, दूसरी तरफ लक्ष्मीनारायण का चित्र होता है, दोनों ही लक्ष्मीनारायण है ना। तो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करने के लिए अव्वल नंबर नारायण में आता है, और जो द्वयम नंबर का धर्म पिता है वो कौन से नारायण में आएगा? कम कला वाले में आएगा, पौने सोलह कला वाले में आएगा या सोलह कला संपूर्ण में आएगा? आया तो कुमार का दादी की इस बात का जान निकाल ही नहीं है। कुमार का दादी की बात छोड़ो, उन्होंने जिसको अपने पति के रूप में जीवन में स्वीकार किया, गद्दी पे बैठी साथ में, बाबा के साथ बैठती थी, उनको ही नहीं पता है कि सेकंड गद्दी का मालिक कौन बनेगा। लेकिन कुमार का दादी की ये हुज्जत थी कि मैं वहां भी जाकर के गद्दी के मालिक बनूंगी, तो यहां संकल्प करेंगे तो वहां सफल होगा कि नहीं होगा? सफल हो गया। तो आपका जो प्रश्न था कि चार साल के अंदर सहयोगिनी शक्ति कौन, तो सहयोगिनी शक्ति का फाउंडेशन विधर्मी का लगा या सुधर्मी का लगा? विधर्मी का फाउंडेशन लग गया। रिजल्ट ये हुआ कि जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे उनमें शिव बाबा प्रवेश था ना, तब तक किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि शिव बाबा प्रवेश था ना, प्रभाव था। अरे मंदिरों में भी जाते हैं तो कितना बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ये तो चैतन्य मंदिर था, चैतन्य शिव बाबा आ रहा था ब्रह्मा के तन में, तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, फटाक से विदेशों में फाउंडेशन लग गया। क्या फटाक से रावण राज्य की शुरुआत हो गई। ब्रह्मा कुमारियों ने 69 में ही अलग अलग जोन बना लिए, धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग ब्रह्मा कुमारियों के हाथ में चली गई। रावण राज्य में यही होता है, सचिव त्रेता में धर्म सत्ता राज सत्ता एक हाथ में, मम्मा बाबा के हाथ में थी। गुल्लर दादी कौन सा आत्मा बोलता है? आप क्या समझते हैं शिव बाबा कौन सा है? वो लोग तो बोलते हैं शिव बाबा है। आप उन लोगों की बात क्यों मानते हैं? आप बताइए, आप अपने बारे में बोलिए। इसलिए तो बाबा से, इसलिए तो बाबा से आप पहले बताइए, आपने क्या फैसला किया अभी तक? आपको आत्मा ने क्या बताया? तो छोड़ के बाबा से इधर ने वो बात को छोड़ करके हम एक बात में आया हूँ, मेरा उसमें दिल विश्वास नहीं टिका है। वहाँ आपका विश्वास नहीं टिका कि गुलजार गाड़ी के अंदर भगवान आता है? ये विश्वास नहीं टिका? नहीं टिका है। हाँ तो आपने कौन से सन में वहाँ छोड़ दिया? महीने कितने साल पहले आपने बेसिक ज्ञान को छोड़ दिया? तीन साल रहा था बाबा।
तीन साल ज्ञान में रहे, तीन साल थे बाद में इधर, बाद में तुरंत इधर आ गए या बीच में गैप पड़ गया? मैं तीन साल से उधर में पढ़ा, साथी नेपाली साथी थे, नेपाली साथी साल तीन साल तीन साल का गैप पड़ गया, माने तीन साल बीते में रहे और तीन साल का आपका गैप पड़ा। अच्छा, तीन साल गैप जो पड़ा है वो आप इस अनिश्चय में रहे के गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा नहीं आता है, फिर आप एडवांस में आ गए तीन साल के बाद। तो एडवांस में कौन निमित्त बना? एडवांस में ढाका दिल्ली का चंद्र बुआ ने हमको, चंद्र कुमार चंद्र बुआ ने, चंद्र बुआ और चंद्र प्रभा बुआ मतलब बाप, सीता माता के लौकिक बाप पिताजी। हाँ, वो निमित्त बने, उन्होंने आपको बताया कि गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते? नहीं, वो तो नहीं बोले, हम तो एकदास पार्टी का हूँ ऐसे बोले थे। बेसी का कौन है, एकदास कौन है, समझने के लिए मैं सुरंगा आया। अच्छा, सुरंगा उपमणि के, उपमणि भाई ने, उपमणि भाई के घर में आया, इसलिए दादा का वाणी सुना तो वो नहीं पुरुष किया। आपको निश्चय हो गया? हाँ, कि ये भगवान की वाणी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, माने गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते, लेकिन ये जो वाणी चल रही है उपमणि भाई ने जो सुनाई आपको, वो भगवान हो सकता है? हाँ। अच्छा, ये आपको निश्चय बैठ गया? बैठ गया। तो अब आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या कोई भूत प्रवेश कर रहा है? पक्के नहीं है आपको, निश्चय पैदा हो रहा है क्या? नहीं नहीं रहा। नहीं ना, तो मत सारे भगवान के सामने ऐसी बात मत पूछिए कि गुलजार दादी में शिव बाबा आता है कि नहीं आता है, पूछते से आप पक्का रखिए, खुला खुलासा हो जाता है और खुलासा। गुलजार दादी में और शिव बाबा में, शिव बाबा ब्रह्मा में जो आते थे उसमें अंतर ये है कि गुलजार दादी में जब आते हैं तो उनका चेहरा मोरा सब बदल जाता है, चेंज हो जाता है, किसी के अंदर मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है, भूत प्रेत प्रवेश करता है तो उसका चेहरा मोरा सब एक्टिविटी बदल जाती है, बदल जाता। ये प्रूफ हो गया कि गुलजार के अंदर मनुष्य आत्मा आती है, यह भगवान आता है, मनुष्य आत्मा आती है। भगवान के आने की निशानी यह है कि जितने भी प्रवेश करेगा आने और जाने का पता ही नहीं लगता, कब आया और कब चला गया। मुरली ने बोला इस ब्रह्मा को पता चलता है कि मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ, ये तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता है। तो ये एक पक्का प्रूफ हो गया। दूसरी बात यह है, शिव बाबा आता है तो ज्ञान की वाणी सुनाएगा या देवताओं की धारणा की बातें सुनाएगा? ज्ञान की बातें सुनाता है। और गुलजार दी के अंदर जो वाणी सुनाई जाती है वो ज्ञान की वाणी है या धारणा की वाणी है? धारणा का वाणी। इससे भी साबित होता है कि धारणा की वाणी तो कोई देवता ही सुनाएगा। सचिव का पहला पहला देवता कौन है? कृष्णवाली है। तो कृष्णवाली आत्मा ही गुलजार दादी में प्रवेश करती है और धारणा की वाणी सुनाती है। बाबा हमारी क्रमशीत अवस्था कब होते हैं? कर्मातीत अवस्था कब होगी और कैसे होगी? कर्मातीत का मतलब जानते हैं? है कर्म में याद किया, कर्म में आती है, कर्म प्रैक्टिस में याद किया। हाँ, कर्म भी करें और कर्म के प्रभाव से अतीत हो जाए, कर्म करें लेकिन कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आंखों से देखें भी जो चीज अच्छी लगे उसको देखें? क्या जिसमें हमारा ज्यादा अटैचमेंट हो उसको हम आंखों से देखें भी और आंखों के ऊपर कोई असर न पड़े?
ऐसा हो सकता है? है? हो सकता है? है? अनुभव है आपको? ऐसा अनुभव है? कैसे? किसी की याद में रहते हैं तो कहाँ नहीं ना दिखाई पड़ता है। बाबा की याद में रहते हैं तो दूसरा चीज दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और फिर उसके बाद दिखाई पड़ने लगता है, है? लेकिन कर्मातीत अवस्था का मतलब है जो कर्मातीत अवस्था बनेगा, जो भी कर्मातीत अवस्था बनेगा, एक बार अगर कर्मातीत अवस्था हो गई तो फिर 2500 साल के लिए कर्मातीत ही रहेगा, कर्म भी करता रहेगा और कर्म का लिप छेद आत्मा का नहीं लगेगा जो पाप कर्म बन जाए। क्या कर्मातीत का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करता रहे, कर्म को छोड़े नहीं, लेकिन कर्म करने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव से परे रहे। जैसे हमने कान से निंदा सुन ली, गुरु की ही निंदा सुन ली, तो जिसकी निंदा सुन ली कान से, वो एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा, तो कहेंगे कर्मातीत होने की हमने प्रैक्टिस अच्छी की। अभी हम लोग को नींद, अगर हम कानों से सुन रहे हैं किसी की बात और वो हमारे अंदर असर कर गई, अरे ऐसा है, आश्चर्य पैदा हुआ ना, इसका मतलब असर पड़ गया, असर पड़ गया, बस वो ही कर्मातीत अवस्था नहीं है। जैसे अभी 11 बजने जा रहा है, मतलब नींद किसी को नहीं आ रही है, ये कर्मातीत अवस्था में हम लोग आए, किसी को नींद नहीं आ रही है, हाँ नहीं आ रही, थोड़े समय के लिए, ये थोड़े समय के लिए आंखें खुली हुई हैं, सोने का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, इसका कारण ये है कि हमारा इंटरेस्ट कहीं जागा हुआ है, इसलिए आंखें भी जग रही है, है? अगर इंटरेस्ट जागा हुआ ना हो तो आंखें जगती, सब इंद्रियों का यही हाल है, इंद्रियों का भोग जहां मिलता है तो वो इंद्रियां उस समय नींद नहीं आएगी। सिर्फ आंखों की बात नहीं है, सभी इंद्रियों का ये हाल है कि जहां इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, वो चीज प्राप्ति हो रही है तो नींद नहीं आएगी, उसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे, वो तो कहीं कर्म में लगाओ। मक्खी मच्छर गंध करते हैं नहीं करते हैं, है? होते ही नहीं है। इस जन्म में मनुष्य खूंखार जानवरों की तरह होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। मनुष्य खूंखार जानवरों की तरह दूसरों का खून पीते हैं या नहीं पीते हैं? पीते हैं। तो मनुष्य जब खूंखार जानवरों की तरह दूसरों का खून पी सकते हैं और सटे हुए वो ही मनुष्य खून पीते हैं नहीं पीते हैं? खीर फाड़ के दूसरों को खाते हैं नहीं खाते हैं? नहीं खाते। दुख देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं। तो जानवर नहीं पड़ सकते। जो खूंखार जानवर आज हम देखते हैं वो वहां पलट नहीं सकते। शास्त्रों में तो गायन है कि ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। तो शास्त्रों में जो बातें हैं वो संगम युग की यादगार है या द्वापर कलयुग की यादगार है? तो सतयुग में शेर हिंसा करेगा या नहीं करेगा? हिंसक नहीं होगा। जब मनुष्य हिंसक नहीं होगा तो जानवर भी हिंसक नहीं होगा। हाँ बाबा भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, ज्ञान से क्या मतलब? ज्ञान से ये मतलब है
कि लक्ष्मी वाली आत्मा को, लक्ष्मी को पहले ये समझो कि वो सीता वाली आत्मा है या नहीं है, है? तुम सब भक्तियां हो, उन भक्तियों के बीच में वो अव्वल नंबर की भक्ति सीता है या नहीं है? तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, उनमें अव्वल नंबर भक्ति कौन है? लक्ष्मी वाली आत्मा। और भक्ति जो है वो स्थाई होती है या चंचल होती है? भक्ति को चंचल बनाती है और चंचल होती है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा जिसको भगवान की अनुभूति हो रही हो, बेसिक ज्ञान लिया कि नहीं? बेसिक ज्ञान लिया है ना। बेसिक ज्ञान लेने के बावजूद उस आत्मा के अंदर भक्ति मार्ग के आधार पर, भक्ति मार्ग माने साक्षात्कार, क्या साक्षात्कार? साक्षात्कार पवित्र आत्माओं को होता है या अपवित्र रुद्रमाला के वणकों को होता है? पवित्र आत्मा, जो जन्म जन्मांतर के पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं उनको साक्षात्कार होता है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा जो सीता है, जो भक्तिन है अव्वल नंबर की, उसको साक्षात्कार हो रहे होंगे कि नहीं? साक्षात्कार हो रहे हैं। साक्षात्कार के आधार पर भगवान उस भक्तवत्सल को बहलाता है कि नहीं बहलाता है? बहलाता है। उन साक्षात्कार के आधार पर उसको पक्का निश्चय है कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, मेरा नारायण भी वही होगा। है आपका प्रश्न क्या था? लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। तो जहाँ भी, जिस दुनिया में जहाँ कहीं भी रह रही है, भले उसको एडवांस का परिचय नहीं मिला, उसको पता नहीं है कि नारायण कोई कौन है नहीं है, लेकिन हमको मिलेगा ये पक्का निश्चय है। मेरा लक्ष्मी का पार्ट है, मेरे को नारायण मिलेगा। लेकिन जिसको ये पता है कि मेरे को नारायण मिलेगा, वो इस दुनिया में अनुभव के आधार पर अनुभव करना चाहेगा कि नहीं, कि नारायण कौन है ये है? अनुभव करना चाहेगा कि नहीं है? चाहेगा। तो कन्या माताएं विकारी दृष्टि को ज्यादा अनुभव करती है या पुरुष ज्यादा अनुभव करते हैं? विकारी दृष्टि की पारखी कन्याएं माताएं ज्यादा होती है या पुरुष होते हैं? कन्या माताएं जैसे पहचान लेती है किसकी नियत खराब है, इसकी दृष्टि खराब है, क्या पुरुषों की इसकी जरूरत ही नहीं होती है, कन्या माताएं जल्दी पहचानती है। क्योंकि कन्या माताओं में प्योरिटी ज्यादा होती है, प्योरिटी की पावर से वो पहचान लेती है इसकी नियत अच्छी है, इसकी दृष्टि अच्छी है या खराब। तो वो अव्वल नंबर की भक्तिन है। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर वो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करती है कि नहीं करती है? क्या क्या कि मेरा नारायण कौन है? नहीं अनुभव करती। उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे अरे उनकी बात तो पूरी होने दो। आपने जवाब पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अरे नारायण को ढूंढेगी तो चंचल ही तो हो जाएगी। नारायण को आपका सूत्र क्या था याद है? क्या लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। तो लक्ष्मी जब ढूंढ रही है तो सबकी दृष्टि देख रही है पुरुषों की, तो कहीं जमेगी? सारे ही तो पतित हैं, सारे ही विकारी हैं, कहीं उसको निर्विकारी कोई देखने में आता ही नहीं, तो कहीं ठहरेगी? लक्ष्मी कहीं ठहरेगी? उसका तीसरा नेत्र तो खुला नहीं है। वो अंधे की औलाद है या सोझरे की औलाद है? अंधे की औलाद। लक्ष्मी की सवारी क्या होती है? उल्लू। तो लक्ष्मी जो है वो किसी जगह स्थिर नहीं रह सकती। कब तक? जब तक उसको तीसरा नेत्र न मिले। तीसरा नेत्र मिलना माने एडवांस ज्ञान मिलना, एडवांस ज्ञान मिलना माने बाप की पहचान, नारायण कौन है ये बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाना। सीख जाएगी?
तो लक्ष्मी नारायण के पास टिकेगी या दूसरों के पास टिकेगी? आप अपने पास बुलाना चाह रहे? बाबा लक्ष्मी नारायण भी चार भुजा चार आत्माओं के रूप में दिखलाते हैं, तो पांचवा आत्मा कौन है जो चारों आत्माओं को धारण? भुजाएं भी होती है, वो जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़ होती है। भुजाएं अपने आप से चल नहीं सकती, भुजाओं को चलाने वाली चैतन्य आत्मा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो भुजाएं विष्णु के चित्र में दिखाई गई है, वो चार भुजाएं वो हैं जो कि अज्ञानता के आधार पर जड़ हैं। चाहे वो सीता वाली आत्मा हो, चाहे वो सरस्वती वाली आत्मा हो, चाहे वो ब्रह्मा वाली आत्मा हो, और चाहे वो जगदम्बा वाली आत्मा हो। जगदम्बा भी तो प्रकृति है ना, जड़ है या चैतन्य है? जड़ तो वही बुद्धि है। अगर चैतन्यता हो तो एक बार भगवान को पहचानने के बाद भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती। रावण के चंबे में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। ये चारों भुजाएं हैं। कौन कौन? ये भुजाएं जो हैं वो आत्माओं की बात है या शरीर की बात है? चार आत्माएं हैं जो भुजाओं के रूप में, जड़ भुजाओं के रूप में इस समय वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली हैं। ब्रह्मा की आत्मा, सरस्वती की आत्मा, जगदम्बा की आत्मा, सीता की आत्मा। चारों भुजाओं के चार आयुध दिखाए गए हैं। नहीं दिखाए गए? कमल फूल, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड अच्छा होता है बुरा होता है? है राइट हैंड के मुकाबले बुरा होता है, उससे सफाई का काम किया जाता है, कचरे को साफ किया जाता है। जो कांटे हैं ना इस दुनिया के, वो सब दुखदाई साफ साफ कर दिए जाएंगे। वो कौन सी शक्ति है? जगदम्बा, जो महाकाली बनती है। महाकाली क्या करेगी? दुनिया से सब असुरों का सफाया, सब कांटों का सफाया कर देगी। कचरा है। लक्ष्मी तो बाद में आएगी, पहले किसका पास चलता है? पहले आती है सफाई करने वाली। घर की सफाई पहले होती है ना, सफाई करने से पहले कभी लक्ष्मी बुलाते हैं? नहीं। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया का घर है, इस घर में पहले पहले कौन पार्ट हो जाएगी? जगदम्बा। एक हुआ, लेकिन उसको कमल फूल के रूप में दिखाया गया है। क्या कमल फूल कहाँ रहता है, कहाँ का गायन है? कीचड़ में। तो जगदम्बा भी अभी कौन सी दुनिया में पड़ी हुई है? बेसिक में पड़ी हुई है या एडवांस में पड़ी हुई है आश्रम में? बेसिक में पड़ी हुई है जगदम्बा। अरे बेसिक में भी आश्रम है और एडवांस में भी आश्रम है, वहां कोई गृहस्थी की कीचड़ नहीं है। है क्या? नहीं, न बेसिक में गृहस्थी की कीचड़ है, वहां अगर है तो सन्यासी है वहां। सन्यासी को कहें कीचड़ में पड़े रहते हैं? नहीं। तो वहां भी और यहां भी कीचड़ नहीं कहेंगे। बाहर की दुनिया क्या है? कीचड़। तो जगदम्बा अभी कहां पार्ट बजा रही है? कीचड़ की दुनिया में पड़ी हुई है, लेकिन बुद्धि से उसकी लगन कहां है? जो महाकाली का चित्र पुराना देखना, कहीं भी जहां कहीं भी महाकाली का वो मूर्ति हो, पांव के नीचे भले शंकर की मूर्ति है लेकिन माथे पर शंकर का चित्र रखा हुआ, माने किसकी याद है? है कोई शिव शंकर भोलेनाथ की याद रहती है। है कीचड़ में, जीवन कहाँ है? कीचड़ में, लेकिन बुद्धि से उपराम है तो वो कमल का फूल याद है। ऐसे कमल फूल के यादगार रूप में जिंदगी बताने वाली और दुनिया में कोई आत्मा नहीं, नहीं है। उसके ऊपर लेफ्ट हैंड में पहुंचो, कौन है? शंख, लक्ष्मी। जो लक्ष्मी है वो नारायण के लेफ्ट हैंड में रहती है, राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड में। पत्नी है ना, बामांगी है ना, तो बाई ओर
ऊपर का जो हाथ है ऊंची स्टेज वाला वो शंख दिखाया गया। माने वो जब अपना पार्ट बजाना शुरू करती है एडवांस पार्टी में, तो जैसे महाभारत युद्ध शुरू होता है और पहले कौन से बाजे बजते हैं? शंखनाद होता है। क्या युद्ध शुरू हो रहा है तो शंखनाद कर दे। शंख माने ज्ञान का शंख, चारों तरफ फूकता है। बेसिक में भी जगते हैं, एडवांस में भी जगते हैं सोए हुए, और बाहर की दुनिया में भी सोए हुए सन्यासी जगते हैं। शंख की आवाज चारों तरफ फूकती है, वो शंख का पार्ट। और राइट हैंड में आ जाओ, राइटियस पार्ट बजाने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? जिन्होंने अभी तक राइटियस ही पार्ट बजाया है, लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। ब्रह्मा सरस्वती, उसमें भी ऊपर की भुजा कौन है और नीचे की भुजा कौन है? जो कन्या का पार्ट है वो जरूर ऊंची स्टेज वाला है। ब्रह्मा तो फिर भी पुरुषतन है, दुर्योधन दुशासन उस लिस्ट में है। तो जो ऊपर भात दिखाया गया है उसमें कौन सा आयुध है? हाँ, ज्ञान के चक्र में सबसे मुख्य ज्ञान की बात कौन सी है जो मम्मा ने निकाली? हाँ, मम्मा ही थी जिसने ये ज्ञान का पॉइंट निकाला, ये चक्कर चलाया, बुद्धि में शुरू किया। भले सारा चक्कर नहीं चलाया लेकिन एक मुख्य बात मम्मा ने निकाल दी। क्या बात निकाल दी? हाँ, कि जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, सांप का बच्चा सांप और सांप का बाप भी सांप जैसा लगता, तो हम आत्मा बिंदु, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु। पहले लिंग के रूप में याद करते थे, पहले भक्ति मार्ग में अंगूठाकार आत्मा को मानते थे, शालिग्राम के रूप में अंगूठाकार मानते थे। लेकिन मम्मा ने साबित कर दिया। क्या साबित किया? कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु ही होना चाहिए। इसलिए जो लिंगाकार बनाया गया उसमें बिंदु डाल दिया गया। तब से कितना बढ़िया पॉइंट निकाला। इससे बढ़िया और कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या इससे भी बढ़िया है और चीज हो सकती है? इससे बढ़िया ये चीज हो सकती है कि बिंदु को याद करना ये परमात्मा को याद करना नहीं है। क्या बिंदु को याद किया, वो जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं निकलेंगे ज्ञान में आएंगे कि नहीं? आज नहीं तो कल आएंगे। लेकिन वो साकार को मानेंगे या निराकार को मानेंगे? बिंदु को मानेंगे, तो वो सब विधर्मी साबित हो जाएंगे। क्या ज्ञान तो बढ़िया है, जगदम्बा के हिसाब से अच्छा है। सरस्वती जगदम्बा किसका टाइटल है? जगदम्बा मम्मा का टाइटल है ना, तो जगदम्बा के हिसाब से बढ़िया पॉइंट है, सारे जगत की अम्बा। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कोई देवी है? लक्ष्मी, गौरी, महाकाली है तो उसके मुकाबले महागौरी भी है, तो वो वाली बात नहीं है। इसलिए एडवांस में ये ज्ञान निकलता है कि बिंदु अकेले को याद नहीं करना है, बिंदु के साथ साथ साकार मुकर्रर रथ भी चाहिए, वो भी याद आना चाहिए। नहीं तो याद अधूरी है, संपूर्ण याद नहीं है। और उस संपूर्ण याद के बगैर कोई देवता नहीं बन सकता। नारायण को याद करेंगे तो देवता बनेंगे, नहीं याद करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। फिर वही द्वापर युग में जन्म मिलेगा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह उनके फॉलोअर्स का। तो क्या बात थी? हाँ, तो ये ऊपर का जो भुजा है वो साबित हो जाती है। कौन? चक्र, फर्स्ट क्लास चक्र, सारी दुनिया के बीच में सारी दुनिया के कल्याण के लिए जो फर्स्ट क्लास चक्र चलाया, किसने चलाया? सारी दुनिया का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? फिर नीचे गदा, राइट हैंड भुजाओं में नीचे की भुजा है गदा,
गदा जो है धारदार तलवार है या मोटा तलवार? मोटा हथियार, मोटा हथियार क्या? ज्ञान की धार जो है वो तीखी होनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को इतनी बुद्धि थी नहीं, मोटी बुद्धि, बैल का पार्ट, सो गदा चलाते थे। क्या क्या गदा चलाते थे? कोई भी बात आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, ड्रामा। अब ड्रामा तो गोल गोल है, गदा हाथ में है, वो गोल गोल ऊपर लगा हुआ है, सीधा गदा मारा, जो हुआ हिलने वाले नहीं, ड्रम। तो उनका गदा का पार्ट है। चार आयुध दिखाए जाते हैं, ये चारों आयुधधारी जो भुजाएं हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाली भुजाएं हैं, ये आत्मा का पार्ट नहीं है। आत्मा का पार्टधारी वो है जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, बुद्धिमानों की बुद्धि। वो बुद्धिमानों की बुद्धि राम वाली आत्मा के बगैर वो चार भुजाएं चालू नहीं हो सकती। पांच आत्माएं हैं विष्णु के पार्ट में, कौन कौन सी? आखिर आत्मा क्लियर हो गई ना? हाँ जी, क्या बोला? हाँ जी, त्रेताजी में रत्ना का डाकू ने, रत्ना का डाकू ने, त्रेताजी में रत्ना का डाकू ने वाल्मीकि रामायण लिखा, उसका अर्थ क्या है बाबा? एक तो रामायण हो या चौड़ी कोई भी शास्त्र हो, वो शास्त्र जो लिखे जाते हैं वो रजो प्रधान युग में लिखे जाते हैं। क्या शास्त्र तब बनाए जाते हैं जब शासन सत्ता संभालना मुश्किल हो जाता है, तब शासन करने का विधान लिखा जाता है। एक तो त्रेता में रामायण या कोई भी शास्त्र बनाया ही नहीं गया। शास्त्र तब बनते हैं मनुष्यों के द्वारा जब द्वापर युग शुरू होता है। तो ये बात मत करिए, बाकी जो कथा आई है शास्त्रों में वो यहाँ की है। क्या कथा? कि रत्नाकर डाकू था है? और वो डाकू बाद में क्या बन गया? वाल्मीकि ऋषि बन गया। हाँ, वाल्मीकि ऋषि बन गया। और डकैत वो ही कैसे बन जाए? और कौन सी जाति का था ये पता है? पता नहीं। अरे आज की दुनिया में जो वाल्मीकि का टाइटल धराते हैं तो सुने नहीं? अरे मैसरों की बस्ती में जाकर के देखो कोई वाल्मीकि है कि नहीं, नहीं मालूम? वाल्मीकि आपको मालूम ही नहीं? हिंदुस्तान में ढेर सारे ऐसे हैं जो अपने नाम के बाद में वाल्मीकि लिखते हैं, टाइटल देते हैं वाल्मीकि। वो कौन है मालूम नहीं? बंगी मैसर स्वीपर। हाँ, स्वीपर किसे कहा जाता है? जो गंध साफ करता है उसको क्या कहते हैं? स्वीपर। गंध नाली साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला है। बाबा भी कहते हैं अरे मेहतर उनसे बेहतर है जो खाली मेहनत का खाना, भले नालियां साफ करते हैं लेकिन मेहनत तो करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, भीख मांग के तो नहीं खाते। वो सन्यासी तो, वो सन्यासी क्या कर रहे हैं? वो चाहे सफेद कपड़े वाले हो चाहे लाल कपड़े वाले हो, क्या कर रहे हैं? भीख मांग के खा रहे हैं। बाबा उनके ऊपर लानत डालता है कि मांगने से मरना वाला। तो ब्राह्मणों की संग भी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा कचरा साफ कौन सी आत्मा करती है? कपड़ा साफ करने के लिए जो धोबी घाट है वो आदि का भी गायन है। हाँ, आदि से ये धोबी घाट चलता चला आया है। धोबी घाट में क्या होता है? कपड़े धो जाते। कौन से कपड़े? ये शरीर रूपी वस्त्र जो है, वो शरीर रूपी वस्त्र है
जिन वस्त्रों को गधा लेकर के भगवान के घर से लाकर के घाट तक ले जाता है। कौन हुआ गधा? ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के आद से वो कपड़े धोए हैं, साफ नहीं किए, वो गंदे कपड़े धोए हैं और धो करके कहाँ तक ले जाया? एडवांस पार्टी जहाँ से कपड़ों की धुलाई शुरू होती है घाट तक ले गया, घाट तक ले गया, घाट तक ले जाता है। और घाट में भी वो घाट प्रसिद्ध है जहाँ घाट पर धोबी लोग चिल्लाते हैं, कपड़े धोते जाते हैं और बोलते जाते हैं, छी हो राम, छी हो राम, बोलते जाते हैं। वो घाट बहुत प्रसिद्ध है, धोबी घाट के रूप में कपड़े धोए जाते थे और अंत में भी अभी ये धोबी घाट चल रहा है, खत्म नहीं हो गया, चल रहा है। उस धोबी घाट पर धोबी कौन है, वाशरमैन है कौन, दुनिया का फर्स्ट क्लास वाशरमैन कौन है? हम नहीं जानते, तो मैं जल्दी हो तो उठ जाओ, कोई नहीं बोल रहा है, उठ जाओ। तो बालक याद आ रहे हैं, जाओ ना। हाँ जी, ये तो प्रश्न करते जा रहे हैं, इनसे कहो मना करो, हमसे क्यों कहते हो? अरे धोबी घाट की बात जो है वो तो क्लियर कर लो। तो वाल्मीकि कौन हुआ है? मेहतर, मेहतर। वो मेहतर कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? राम वाला, जो नालियां साफ करने वाला है, कपड़े साफ करने वाला धोबी है, कौन है? राम वाली, राम वाली, राम वाली आत्मा जो है वो डकैत है, सबसे बड़े से बड़ा सुल्ताना डाकू। उसको खराब ना समझो, सुल्ताना डाकू का खेल खेलते हैं लोग, अगर खराब होता तो कोई उसको खेल नहीं खेलने दे। उसका लक्ष्य क्या था? गरीबों को मदद करना, रईसों को लूटना, और जितना भी पैसा है सब गरीबों में बांटना। खुद सूखी रोटियां भी खाता था, जमीन पर भी सोता था। तो खराब आदमी था, अच्छा आदमी था, ऐसे ही लक्ष्य देखा जाता है कर्म में। कर्म तो खराब है लेकिन कर्म का लक्ष्य क्या है? अच्छा है या खराब है? कल्याण का लक्ष्य है या अकल्याण का लक्ष्य है? कल्याण का लक्ष्य है। इसलिए वो वाल्मीकि डाकू रत्नाकर है उसका नाम। वो रत्न स्थूल थे, जो रतन करता था वो रतन स्थूल थे या चैतन्य ज्ञान रतन थे? चैतन्य ज्ञान रतन थे। चैतन्य ज्ञान रतनों को मनन चिंतन मंथन से पैदा करता था, तो खराब नाम था, अच्छा नाम था, अच्छा नाम था। वो रत्नाकर डाकू भक्ति मार्ग में उसको डकैत समझते हैं, लेकिन वो डकैत नहीं था वास्तव में। वो डकैत ही वास्तव में क्या बन गया है? ऋषि बड़े से बड़ा ऋषि मुनि बन गया। अब नहीं पूछना, हम इधर से उधर नजर घुमा रहे इनके हाथ मोड़ो। हाँ बोल माता जी, प्रभाव गीत नहीं बनना चाहते हैं। अब बांधे जी माता भी नहीं है। एक वो पीछे बैठा है, कहता है कि कोई लड़ाई लड़ने के लिए सामने आता है और तलवार लेके सामने आ जाए तो योद्धा का काम क्या है? उससे लड़ाई लड़ना या भाग जाना? तो माता तलवार लेके सामने आ रही है और वो सन्यासी क्या कह रहा है? कायर, कैसे
भगवान विष्णु भगवान कहते तुलसी के पूजा करते हैं काल रहेगी एकादशी चावल के भात नहीं खाए थे होते फल फूल खाए थे की बात होना हिंदी बोल देना एक आदमी किसी का पूजा करते हैं तो एकादशी के दिन में चावल नहीं खाते इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है तुलसी को विष्णु की मानते हैं विष्णु की पटरानी मानते हैं दूसरे लोग नहीं मानते हैं पटरानी मानते हैं ये भी मान्यता है कि जब भोग लगाते हैं भगवान का तो जब तक तुलसी का पत्र नहीं डालेंगे तब तक भोग नहीं माना जाता भगवान का। भगवान का भोग लगाना है तो क्या करना है तुलसी का पत्ता डालना। हाँ तो हाँ इसका मतलब ये हुआ कि तुलसी पटरानी है कोई आठ पटरानियां थी ना आठ पटरानियों में कोई ऐसी पटरानी है कि जो सबसे पहले सरेंडर हुई है भगवान का भोग लगाने के लिए। लोग समझते हैं भगवान रोटी दाल का 36 प्रकार के भोजन का भूखा है। अरे वो ऊपर वाला तुम्हारे अच्छे अच्छे रोटी दाल कपड़े का भोजन का भूखा है क्या है? वो ये भोग लगाने आता है वो विकारों का भोग लगाने आता है या ये भोग लगाता है कौन सा भोग लगाता है विकारों का भोग लगाता है। तो वो विकारों का भोग लगाने के लिए अन्नपूर्णा देवी के रूप में शंकर के सामने दो रूप दिखाए जाते हैं। अन्नपूर्णा भीख देती है और शंकर जी भीख लेते हैं। अब उसको अन्नपूर्णा कहो और चाहे तुलसी कहो तुलसी के रूप में सबसे पहले पहले कन्या के रूप में सरेंडर होकर के जिसने भोग लगाया उसका भक्ति मार्ग में ये गायन होता है कि जब तक वो तुलसी का पत्ता भोग में न डाला जाए तब तक वो नहीं। और दूसरी बात आपने क्या पूछी चावल नहीं खाते कि चावल जो है ना चावल होने से पहले क्या होता है धान छिलके वाला होता है या बिना छिलके का तो ये शरीर रूपी वस्त्र जो है ये देहभान ये छिलका है ये क्या है ये छिलका है हैं हाँ और ये छिलका जो है मार दूसरों के ये छिलका उतार दिया जाता है उसको कहते हैं चावल। शुद्ध आत्मा है ये शुद्ध जो आत्मा है वो वास्तव में ये रुद्रमाला के मन के है क्या क्या है रुद्रमाला के मन के और रुद्रमाला के मणकों में भी जो कन्याएं माताएं हैं वो असली चावल है जिसको देहभान रूपी वस्त्र नहीं है या पुरुषों का शरीर है वो चावल है या धान है कन्याओं माताओं को क्या कहेंगे माताओं को भी छोड़ दो खास कन्याएं कन्याएं क्या है चावल है माने उनमें देहभान का वस्त्र नहीं है। तो जब भगवान बाप आते हैं तो उस समय कन्याओं माताओं को भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर कन्या माताओं का भोग लगाते हैं भोग भोगते हैं तो कन्या माताओं को माता कन्या माता समझा या उल्टा समझा भगवान आया तो भगवान की सब सजनीय है या भोग की वस्तु है सब सजनीय है भगवान की। तो इसलिए वो चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ठीक बात है। और क्या पूछा था माला विजय माला में क्या अंतर रुद्र माला है भगवान की माला रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है ज्ञान भगवान का दिया हुआ है ना तो रुद्र है भगवान की माला और विजय माला है विष्णु की माला। जो विजय माला है वो भगवान की माला नहीं है लेकिन भगवान ऊंचा या विष्णु ऊंचा भगवान ऊंचा। तो जो भगवान से प्राप्ति होती है
वो विष्णु से प्राप्ति नहीं होती, भगवान से प्राप्ति होती है राजा बनने की। राजा महाराजा बनना हो तो रुद्रमाला की मणका बनो, और रानी बनना हो तो विजयमाला की मणका बनो। रानी अधीन होती है और राजा स्वाधीन। भगवान स्वाधीन बनाता है और मनुष्य आत्माएं चाहे देवता ही क्यों हो वो क्या बनाएंगे? आदिम बनना सिखाएंगे, खुद भी आदिम बनेंगे और दूसरों को भी आदिम बनाएंगे। और कोई है? झूठे गुरु भी निंदा करे पर चोर है और चोर को कह दें ये चोर जा रहा है चोर जा रहा है तो ये निंदा करना है ये अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात। चोर जा रहा है और चोर को इशारा कर दे ये चोर जा रहा है, उसके मुंह पे कह दे आ तू चोर है तू लेके जा रहा था चोरी करके जा रहा था, तो चोर तो भले मुंह से कहेगा हमारी निंदा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या है? चोर को चोर कहना निंदा है नहीं, नहीं है। लेकिन वास्तव में जो सदगुरु है सच्चा गुरु है एक भगवान और उसकी कोई निंदा करे और नहीं पाएगा तो निंदा है पाप है या पुण्य है? बड़े से बड़ा पाप है कि जो सच्चा गुरु आया हुआ है उसकी भी दूसरों के सामने निंदा करे या निंदा करने की निमित्त बन जाए, उससे बड़ा पाप कोई होता नहीं। कहते हैं सदगुरु निंदा सुनिए न काना, सदगुरु की निंदा कान से सुनिए और मुंह से दूसरों को सुनाए तो और डबल पाप हो गया। और सदगुरु की निंदा सुनी और वही निंदनीय कर्म खुद कर दिया तो और ज्यादा पाप हो गया। इसलिए रामायण का सदगुरु निंदा सुनी न काना होए पाप गौ घास समाना, क्या गौ की हत्या के समान पाप है अगर सदगुरु की निंदा कराए। भक्ति मार्ग में गौ की हत्या बहुत खराब मानते हैं और ज्ञान मार्ग में गौ की हत्या खराब मानते हैं अच्छा मानते हैं? कन्याएं माताएं गौ में, जो कन्याओं माताओं को गौ के समान मानते हैं कि ये जगदम्बाएं हैं जगदम्बा की भुजाएं हैं, अगर उनको अनिश्चय बुद्धि बना दिया विकारी बना दिया तो हत्या होगी या जिंदा रही हत्या होगी? तो यहाँ भी गौ घात है, जैसे गौ का घात हो गया ऐसे पाप बनता है भगवान की निंदा सुनने से सुनाने से। अकाल्मिक आत्माओं का उद्धार कैसे है? अकाल्मिक आत्मा जो श्रेष्ठ उनका सब गति कैसे होगा? जो आत्माएं शरीर छोड़ रही है अकाल मौत, एक तो बात यह है कि अकाल मौत में वही आत्माएं शरीर छोड़ती हैं जो बहुत पाप करती हैं, उनके पाप ज्यादा न बढ़े इसलिए बीच में ही उनका शरीर छूट जाता है। और ये जो पाप आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं उनका उद्धार उन्हीं रुद्रमाला के मणकों से हो सकता है जिनमें रुद्र प्रवेश करता है। क्या रुद्राक्ष के मणके होते हैं ना, कौन से देश में पाए जाते हैं? नेपाल में रुद्राक्ष के मणके पाए जाते हैं। उन मणकों में कोई एक मुक्का कोई दस मुक्का कोई दो मुक्का कोई चार मुक्का है ना, तो एक मुख वाला तो वो है जिसमें ऊपर वाला प्रवेश करता है, बाकी और जो दूसरे मणके हैं उनमें दूसरी दूसरी आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, तो वो सब रुद्रमाला के मणके हैं। क्या
वो जो रुद्रमाला के मणके हैं, क्या प्रश्न क्या था? हाँ, उनका आत्माओं का उद्धार कैसे होगा? तो रुद्रमाला के मणके जो हैं, उनमें एक बार शिव ने रुद्र ने प्रवेश कर लिया, इसलिए कोई दूसरा भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता अगर पक्का मणका है तो, नहीं तो दूसरे भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं, और दूसरे भूत प्रेत उन्हीं में प्रवेश करेंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। क्या ये रुद्रमाला के मणकों में ऐसे भी बीज हैं जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में भी परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उस जन्म में नहीं लेकिन जन्म लेकर के। तो ये रुद्रमाला के मणकों के द्वारा वो भूत प्रेत आत्माओं का उद्धार होता है, इसलिए बाबा ने बोला है अभ्यतवाणी में, तुम बच्चों के द्वारा इन भूत प्रेत आत्माओं का भी उद्धार होना है। ब्रह्मा वाली आत्मा बढ़िया भूत प्रेत है, इसके द्वारा उद्धार होता है। राम वाली आत्मा रुद्रमाला का जो पहला मणका है उसके द्वारा उद्धार होता है। ऐसे ही और जो दूसरे मणके हैं उनमें भी वो चंद्रवंशी आत्माएं प्रवेश करती हैं और उनके द्वारा उनका उद्धार हो जाता है। योग लगाना पड़ता है कि ऐसे और कहाँ की यादगार है जागरण? शिवरात्रि जागरण मनाते हैं वो हिंदू मनाते हैं मुसलमान? मुसलमान भाग जाते हैं। तो